तो मैं जब से मैं आया हूँ हमने कई नई लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन वाली सर्जरीज लाए हैं, जिनको भी मैं बोलता था तो वो बोलते थे कि नहीं दूरबीन द्वारा तो सर छूट जाता है, और दूरबीन द्वारा कुछ भी छूटने का सवाल ही नहीं है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स की जितनी भी सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपी से, सारी की सर्जरी मेरे पास वीडियो प्रूफ के पर रिकॉर्डेड है, जो कि पेशेंट कभी भी मांग सकता है मेरे से, मैं देने को तैयार हूँ पेशेंट। अगर छूटने का 1% भी रिस्क होगा तो मैं वीडियो क्यों दूंगा। ज़माने में हम सोचते थे कि कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है और उसको इलाज में तो 15-20 दिन भर्ती रहना पड़ता है, पर कैंसर के ऑपरेशन दूरबीन से ये फ़ायदा है कि पेशेंट करने के बाद 2 दिन में छुट्टी हो जाती है, तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। आगे कोई और ट्रीटमेंट करना है, कीमोथेरेपी, तो वो जल्दी शुरू हो जाता है। लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर आए हुए 25-30 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम वही पुराने ज़मानों के ट्रीटमेंट, पुराने ज़मानों के इलाज, पुराने ज़मानों की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रहा है कि क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है इलाहाबाद जैसे शहर में।